People of the internet, welcome back to my channel. My name is Tumpa and today I am back with another review for a product which is from the brand Upakarma. And yes, I have reviewed two of their products some time ago, and that was Shilajit and Ashwagandha. In fact, mere बेडसाइड पे ही अश्वगंधा रखा हुआ है एंड शीलाजीत भी मुझे काफी पसंद आया इनका. इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी डिटेल में रिव्यू कर चुकी हूँ, नीचे ऑलरेडी लिंक्ड होगा. बट टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अ प्रोडक्ट विच इज समथिंग जो आप हेल्थ के लिए ले सकते हैं, स्किन के लिए, डार्क सर्कल्स, इम्यूनिटी, या दीज ऑल क्वालिटीज आर देयर. बट मोर ओवर इस प्रोडक्ट को यूज सबसे ज्यादा किया जाता है खाने में, यस, मुगलाई फूड में एंड खीर में. मैं बात कर रही हूँ केसर की एंड दैट इज सैफरन. एंड सैफरन का जो मेडिकल साइंटिफिक नेम होता है दैट इज क्रोकस सैटिवस. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक्चुअली इनका केसर ट्राई किया. सो मैंने एक मंगाया कॉम्बो पैक. सो हियर आई हैव दिस पैक जो मैंने अभी खोला नहीं है. ये है 2 ग्राम्स का केसर मेगा पैक एंड ये वैसे तो 999 का है, लेकिन आपको इनकी वेबसाइट पे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, अराउंड 750 एंड और भी काफ़ी जगह मिलता है वेबसाइट पे. मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में. और इसके साथ कॉम्बो पैक में था ये छोटा वाला, दिस इज 500 mg, तो ये 1 ग्राम का भी आधा है. द नेक्स्ट वन इज अफगानी केसर 1 ग्राम पैक एंड ये वैसे 451 रुपीज का है, लेकिन अराउंड 349 रुपीज में आपको इनकी वेबसाइट पे या फिर जो लिंक मैं आपको नीचे दूंगी उस पे मिल जाएगा. नाउ केसर एक ऐसी चीज है गाइस जो मैं मानती हूँ कि हमेशा एक रेप्यूटेड वेल नोन ब्रांड से लेना चाहिए. बट क्योंकि मैं इनका ऑलरेडी शीलाजीत और अश्वगंधा ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे ये ब्रांड पसंद आया. इनका प्राइस मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है. अगर बहुत चीप प्राइस पे कोई दे रहा है बहुत सस्ते में, खासकर केसर, देन कुछ गड़बड़ है, इट कैन बी फेक. क्वालिटी की अगर बात करूं तो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने इसका टेस्ट भी किया. अगर केसर एकदम से रंग छोड़ने लग जाए खूब सारा, यू नो ऑरेंजिश कलर, देन इट कैन बी फेक. वो बहुत धीरे धीरे कलर छोड़ता है और ये आधे घंटे से रखा हुआ है तब जाके इसका ये कलर हुआ है. जो दूसरा तरीका है केसर को टेस्ट करने का कि फेक है रियल, वो ये है कि जब आपका केसर गर्म पानी में या चाहे खीर में, खाने में जब बहुत देर तक भीगा रहता है, तो अगर आप उसको ऐसे लेके फिंगर में रब करेंगे और वो मैश नहीं हो रहा है या गल नहीं रहा है, तब भी ऐसे थ्रेड फॉर्म में है, दैट मीन्स कि वो रियल केसर है एंड दिस इज़ अफगानी केसर. एंड इवन इनका जो कश्मीरी केसर है वो भी बिल्कुल ऐसी है, पूरा फ्लेवर एरोमा सब देगा और तब भी ये थ्रेड फॉर्म में रहेगा. एंड दिस इज़ हाउ यू टेस्ट केसर. सो एनी वे, केसर इज बेसिकली फॉर यू नो इम्यूनिटी एंड गुड स्किन. अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं उसको भी दूर करता है, अच्छी हेल्दी स्किन देगा आपको, एक्ने इश्यूज़ भी दूर करता है. उसके अलावा काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही हैं केसर के. जो मेरा तरीका है केसर यूज़ करने का इज़ कि आप गर्म, बिल्कुल गर्म पानी में 4-5 थ्रेड्स डालिए एंड उसके बाद 15-20 मिनट उसे ढककर रख दीजिए. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है. सो जैसे लोग ग्रीन टी पीते हैं एंड लीफ टी पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, यू नो कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी, एंड दे ऑल हैव देयर ओन हेल्थ बेनिफिट्स एंड इट्स गुड फॉर स्किन एंड डाइजेशन, उसी तरह आप केसर टी जस्ट ऐसे भी पी सकते हैं. जस्ट आपको गर्म पानी में रोज़ 3 या 4 थ्रेड डालने हैं एंड यू कैन हैव इट. नाउ केसर निकलता है खाली साल में 6 से 7 टन हमारे कंट्री में थ्रू कश्मीर, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ईरान, अफगानिस्तान से भी इंपोर्ट किया जाता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. और अभी ग्लास में मैंने बना रखा है अफगानी केसर. जो दूसरा तरीका जो मुझे पसंद है यूज़ करना वो है, मैं केसर वाली चाय भी बनाती हूँ. कुछ नहीं, आप केसर डालिए, 1-2 कार्डमम एंड सिनेमन और ऐसे कुछ स्पाइसेस डाल के एंड दूध एंड चाय पत्ती एंड चीनी डाल के केसर वाली चाय भी बना सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स खाने में यू नो बिरयानी वगैरह जो होती है, खीर होती है, उसमें भी केसर यूज़ कर सकते हैं. नाउ केसर अगर आप ऐसे टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही हल्का सा एक बिटर टेस्ट आएगा, एक हल्का सा कड़वा टेस्ट, लेकिन जो इसकी फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो एक बड़ी स्वीट सी स्मेल होती है जो आपको आएगी. सो इट स्मेल्स स्वीट बट इट इज़ नॉट
स्वीट इन टेस्ट, हल्का सा कलर भी देता है जैसे आप खीर में यूज करते हो या बिरयानी के ऊपर. सो इट हैज अ ब्यूटीफुल एरोमा एंड फ्रेग्रेंस. सैफरन को परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, बहुत से ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनमें सैफरन नोट भी डाला जाता है परफ्यूम को खास बनाने के लिए. सो या ओवरऑल मुझे तो ये दोनों ही काफ़ी पसंद आए. अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं फील होता है, बट येस द ओनली डिफरेंस इज कि अफगानी केसर के जो थ्रेड है वो बहुत ही फाइन डेलिकेट एकदम रेशम जैसे पतले हैं और कश्मीरी केसर के थ्रेड्स थोड़े से थिक हैं. अदरवाइज फ्लेवर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है एंड दोनों की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई. बट ओवरऑल मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आए हैं. आप इसे दिन में एक या दो बार भी ले सकते हैं और ये आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. जॉइंट्स में पेन वगैरह के लिए भी बेनिफिट देखा गया है. सारे ही एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं. सैफरन से विजन इम्प्रूवमेंट होती है बट आई एम नॉट श्योर कि कितना, बट ऐसा मैंने फैक्ट्स में पढ़ा. और दूसरी बात, सैफरन वाला दूध तो मैं बताना ही भूल गई गाइस, केसर को दूध के साथ भी ले सकते हैं. जो दूध है ना उसमें ट्रिप्टोफैन होता है, अमीनो एसिड. अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो गर्म दूध रात को पीने से सेरोटोनिन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, जिससे आपको बेसिकली नींद आ जाती है. आपने देखा होगा छोटे बच्चे बचपन में दूध पीते पीते सो जाते हैं. सो दूध इज लाइक अ रिलैक्सेंट. तो उसी में जब आप केसर डाल देते हैं, केसर गिव्स यू अ नाइस स्वीट एरोमा, एक खुशबू और रिलैक्सेशन. तो दोनों साथ में एक अच्छा मूड बनाता है और अच्छी नींद लाता है. तो केसर वाला दूध आप रात को पी सकते हैं या फिर आप मेरी तरह ऐसे गर्म पानी में केसर ड्रिंक बना के पी सकते हैं. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. सी मी इन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट. बाय बाय.